सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी इज बैक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे सारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक जा सके सबसे पहले। तो क्या फ्रेंड, आप सब भी जब विंडोज इंस्टॉल करने जाते हो अपने एसर या फिर कोई सा भी लैपटॉप हो गया, फिलहाल मेरा ये एसर का लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रहा है, और जब भी आप विंडोज इंस्टॉल करने जाते हो और पेन ड्राइव को सिलेक्ट करते हो तो पेन ड्राइव को सिलेक्ट करते ही आ जाता है ऑप्शन सिक्योरिटी बूट फेल का। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, जब भी आपको ये प्रॉब्लम आ जाए ना, तो सबसे पहले पेन ड्राइव निकाल लेना है पीसी से, अपने लैपटॉप से, जैसे कि मैं निकाल लिया। और फ्रेंड, लैपटॉप को स्विच ऑफ कर लेना है पावर की कंटिन्यू प्रेस करके, मतलब 4 से 5 सेकंड प्रेस करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा पीसी ऑटोमेटिक, जैसे कि देख पा रहे ऑफ हो चुका है। और फ्रेंड, जैसे हमारा पीसी ऑफ हो चुका है तो हमें अब बायोस में जाना पड़ेगा। तो बायोस में जाने के लिए, तो फ्रेंड एसर का जो बायोस की है वो है F2 और डिलीट। तो ज्यादा लैपटॉप पे आप F2 प्रेस करके आप जा सकते हो बायोस में, और थोड़ा बहुत जो एसर का लैपटॉप है उसमें आपको डिलीट की प्रेस करना पड़ता है। तो फिलहाल मैं अपने लैपटॉप में F2 की प्रेस करके बायोस में चला जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा, लैपटॉप को ऑन करना है और ऑन होते ही F2 की प्रेस कर देना है, कंटिन्यू करते रहना है। ओके, एक बार से कम नहीं चलेगा, कंटिन्यू प्रेस करते रहना है। जैसे कि देख पा रहे हो आप सब, मैं बायोस में आ चुका हूँ। तो फ्रेंड, अब हमें एरो की प्रेस करके, मतलब राइट लेफ्ट अप डाउन वाला एरो की होता है ना, तो हमें राइट वाला एरो की प्रेस करना है। तो मेन में चले जाओगे एंड देन अगेन प्रेस करना है राइट वाला एरो की, तो आप सब एडवांस में आ जाओगे, और अगेन प्रेस करना है आप सबको एरो की तो सिक्योरिटी में आ जाओगे। और फ्रेंड, बूट में जाना है, और जैसे कि देख पा रहे हो आप सब, मिल जाता है आप सबको सिक्योर बूट करके एक ऑप्शन। तो ये अभी क्या है, इनेबल है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिजेबल करना पड़ेगा। तो जैसे आप ले जाते हो इधर एरो की, तो जैसे ही ले जाने की कोशिश करते हो पर ये ग्रे आउट हो चुका है, मतलब इधर काम ही नहीं कर रहा है, मतलब जो आप सिक्योर बूट में जाओगे तो उधर जा ही नहीं पाओगे आप एरो की प्रेस करके। तो क्या है ये अभी ग्रे आउट हो चुका है। तो इसको हमें वर्किंग कंडीशन में कैसे लाना है, तो हमें जाना होगा सिक्योरिटी में, और सबसे पहले देखेगा आप सबको सेट सुपरवाइजर पासवर्ड। ये थोड़ा नीचे भी दिख सकता है पर ये दिखेगा जरूर, जैसे कि देख पा रहे हो सेट सुपरवाइजर पासवर्ड। तो इस पर आके हमें इंटर करना है और हमें पासवर्ड लगा देना है। तो पासवर्ड आप कोई भी दे सकते हो। तो फर्स्ट में क्या है, क्रिएट अ न्यू पासवर्ड, तो हम दे रहे हैं 1 2 3 4, और फिर इंटर की प्रेस करना है। आप सब जो भी दे सकते हो, और फिर से हमें वही पासवर्ड देना है 1 2 3 4, और इंटर प्रेस करना है, इंटर अगेन इंटर। तो जैसे कि देख पा रहे हो हमने सुपरवाइजर पासवर्ड लगा दिए है। अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, बूट में आना है। तो जैसे ही फ्रेंड आप बूट में आ जाते हो तो इधर देख पा रहे हो सिक्योर बूट, इधर इनेबल और डिजेबल का ऑप्शन आ चुका है, हम उधर क्लिक कर पा रहे हैं। तो नीचे ऊपर जैसे कि देख पा रहे हो हम कर पा रहे हैं, तो सिक्योर बूट दिख जाएगा आप सबको। तो सिक्योर बूट पे आना है और इधर इंटर की प्रेस करना है कीबोर्ड से, और इसको क्या कर देना है, डिजेबल कर देना है। और जैसे कि देख पा रहे हो हम सब ने क्या कर दिया है, डिजेबल कर दिया है। और फ्रेंड, जैसे कि देख पा रहे हो नीचे में लिखा है सेव एंड एग्जिट, तो F10 की प्रेस करोगे तो सेव हो जाएगा ये जो आपने सेटिंग की हो वो। तो हमें F10 की प्रेस कर देना है कीबोर्ड से, जैसे कि मैं कर दिया हूँ। और फ्रेंड, यस पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा, आप नो पे भी कर सकते हो पर यस पे करना है, यस पे, और इंटर की प्रेस कर देना है। और फ्रेंड, ये चेंजेस की हो आप, ये सब सेव हो जाएगा और आपका जो पेन ड्राइव है अब वो बूट होगा। अब आप विंडोज 10 कोई सा भी, मतलब विंडोज आप इंस्टॉल कर पाओगे, सिक्योर बूट फेल का ऑप्शन नहीं आएगा। तो जैसे कि मैं पेन ड्राइव लगा रहा हूँ अपने लैपटॉप में, ओके, तो जैसे कि मैं लगा दिया, और अपने लैपटॉप को क्या करना है, स्विच ऑफ कर लेना है। तो जैसे कि देख पा रहा हूँ मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ पावर की प्रेस करके, ओके, तो स्विच ऑफ हो चुका है मेरा लैपटॉप। और फ्रेंड, अब ऑन करना है लैपटॉप को और F12 की प्रेस करना है बूट मेनू में जाने के लिए। तो F12 की प्रेस कर रहा हूँ मैं कंटिन्यू, एक बार से काम नहीं चलेगा, कंटिन्यू प्रेस करना है। और जैसे कि देख पा रहे हैं मैं बूट मेनू में आ चुका हूँ, मतलब बूट मैनेजर में। और फ्रेंड, जैसे कि देख पा रहे हो हमारा जो पेन ड्राइव है वो इधर नीचे शो हो जाता है, सैंडिस्क का है USB उधर लिखा हुआ है। तो हमें डाउन एरो की प्रेस करना है और सिलेक्ट हो जाएगा सैंडिस्क का जो पेन ड्राइव हमारा वो, और इंटर की प्रेस कर देना है। और जैसे कि देख पा रहे हो जो हमारा सिक्योर बूट फेल का ऑप्शन है वो अब नहीं आ रहा है। और फ्रेंड, आप सब देख पा रहे हो कि विंडोज इंस्टॉलेशन का सेटअप आ चुका है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड, कुछ इसी तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, सिक्योरिटी बूट फेल वाला प्रॉब्लम। सो होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर लाइक और हमारे चैनल को कर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।